अब हम पांडव भवन के लिए निकल रहे हैं। तो वहाँ तो सवारी लानी होगी। हाँ जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है। बस अब हम पांडव भवन पहुंच गए। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बसों की गाड़ियों की आने जाने की सूचनाएं मिल जाती हैं। अंदर घुसते ही बाबा की बुक्स मिलती हैं तो हम बुक्स लेने के लिए चले गए। पुरानी मुरली की किताब चाहिए मुझे। कितना साल का चाहिए? तो बाबा सुनाते थे, बात लिखते थे। बाबा सुनाए तो पूरा 44 बुक से इतना आता है वो बॉक्स में। कार्टून में पड़ रही है? हाँ पूरा। उसके बहुत सारे हुआ है ना, पूरा सेट उसमें। अच्छा, एक मुझे दिखाओ। 47 एक चाहिए। हाँ पूरा एक सेट चाहिए ना। हाँ दिखाओ, ये सर भारी हो जाएगी। नहीं नहीं ये भी तो एक ऐसे ही ले दो बस। हाँ एक दे दो, एक दे दो भैया को, एक दे। एक मंगाती जाऊंगी फिर एक एक करते हैं। हाँ ऐसे एक बुक चाहिए। दो दो एक एक में एक साल की रहो आती है, एक डेढ़ साल की है, दूसरा की नहीं। अपने हाँ पर पारम बोल रहे तो सही है। पहले दो साल 69 और से आती है। अच्छा स्टार्टिंग का मूल्य स्टार्टिंग से पहली वाली चाहिए। ये शांति स्तंभ है और यहाँ पर बाबा की चौपड़ी है। 18 जनवरी का दिन है, बहुत ही अच्छा सजा हुआ है।
यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं योग में। इतना प्यारा सजा हुआ है, बाबा बैठे हुए हैं झूले में और ये बाबा की झोपड़ी। यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए ध्यान लगा रहे हैं और बाबा को पत्र भी लिख रहे हैं। ये बाबा का कमरा। कितना अच्छा सजा हुआ है। ये बाबा का कमरा, भाई बहन सब इसमें ध्यान लगा रहे हैं, योग कर रहे हैं। ये शांति स्तंभ, इतना प्यारा सजा हुआ है। ये हिस्ट्री हॉल है। ये मधुबन में मुख्य चार धाम, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। यहाँ पर बहुत आया हुआ है जो शशि बहन से मिल रहे हैं और बाबा मिलन मनाने के लिए मधुबन आए हुए हैं। यहाँ पर पूजा किया और ये बाबा का भंडारा है। इसके ऊपर हॉल है, वहाँ पर ब्रह्म भोजन हो रहा है। पांडे भवन के सामने यूनिवर्सल पीस हॉल है और यहाँ पर बाबा की बुक्स, किताबें, लाइट, पेन ये सब मिलते हैं। यहाँ पर मुरली क्लास होती है। ये मेडिसिन रूम है,
अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और नक्की लेक घूमने गए। बाड़ी के लिए ये वो जगह है जहाँ पर बाबा दादियों के साथ ध्यान लगाते थे बाबा का। अब हम ज्ञान सरोवर के लिए जा रहे हैं। ओम शांति।